हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है कार्डोवा पब्लिकेशंस की साइंस की बुक क्लास 8th की, और हम इसमें चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यहाँ तक मैंने इसको समझा दिया था बहुत अच्छे से। नाउ फ्लोरा एंड फोना, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्लोरा एंड फोना से। सो फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फ्लावर से याद रखना, फ्लावर फ्लोरा, और फोना मीन्स जितने भी आपके एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो सारे फ्लोरा में आते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आपके फोना में आते हैं। ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स आर कॉल्ड द फ्लोरा ऑफ दैट प्लेस। तो डिफरेंट तरह के प्लांट्स जो कि एक नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। ऐसे ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एक नेचुरल सराउंडिंग में अपने एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको फोना बोलते हैं। ठीक है, टुगेदर फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ प्लेस फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है, जब प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के, वो आपस में मिलकर रहते हैं। डाइवर्स कंडीशंस, डाइवर्सिटी होने के बाद भी कंडीशन सेम होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन सेम होती हैं, तो क्या करते हैं वो इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहलाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नाउ ऑल द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं एनवायरमेंट के, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। कोई भी एक कॉम्पोनेंट में थोड़ा सा भी चेंज आया तो उसका इफेक्ट दूसरे कॉम्पोनेंट पर पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, ताकि उसका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेनटेन रहे, इकोलॉजिकली वो बैलेंस रहे। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ग्रास जो है वो गाय खाती है, राइट, या फिर बकरी खाती है, फिर उसके बाद बकरी को कौन खाता है, लायन खाता है, राइट। तो इस तरीके से क्या है, ये एक साइकिल होती है जो चलती है, राइट। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस को बैलेंस करके चलती है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है, इसको बैलेंस करके चलता है। अगर इसमें किसी भी एक में, अगर आप ये सोचो कि जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, वो कम हो जाएँ, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो लायन है, लायन क्योंकि ग्रास खाने वाले एनिमल्स को खाता है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अपने लिए कोई शिकार ढूंढना, राइट। इसी तरीके से जो ग्रास है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ग्रासलैंड में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इसीलिए कहा है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है हर तरीके से, ठीक है। इट ऑल्सो इंश्योर्स द कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स टू आर फ्यूचर जनरेशन। इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जब हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेशन में सिर्फ प्लांट्स की कंजर्वेशन या फिर नहीं आती है, हमें एनिमल्स को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि बंगाल टाइगर जो है वो भी बहुत कम हो गए हैं, तो इस वजह से उन सबको क्या करा जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं, आपको पता होगा ये हमारी मेडिसिनल हर्ब्स भी होती हैं, तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो हमारे दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। तो अगर हमारे प्लांट्स की वैरायटी कम हो जाती है, तो इन फ्यूचर हमें जो फ्यूचर जनरेशंस होंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एम आई करेक्ट? नाउ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज़ एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल लेवल्स आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम्स, फ्रेमिंग लॉज टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड पॉपुलराइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, अब कंजर्वेशन की तरफ खुद चल रही हैं कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, हम अपने फ्लोरा फोना को कंजर्व करें, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, राइट। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नाउ नोन एज द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिसको अब हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाते हैं, इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी टू स्टडी एंड असेस द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज। तो कौन सी बॉडी है जो कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज को असेस करती है, वो है WCU, जिसको हम पहले IUCN भी कहते थे। IUCN मेंटेन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नोन एज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज। जो थ्रेटेंड स्पीशीज है उनकी एक लिस्ट इनके पास रेडी रहती है, ठीक है। द मेन एम ऑफ द रेड लिस्ट इज टू फोकस द अटेंशन ऑफ कंजर्वेशनल टूवर्ड्स
स्पीशीज दैट आर अंडर थ्रेट टू बिकम एक्सटिंक्ट एंड देयरफॉर प्रोमोट देयर कंजर्वेशन प्रोसेस। अब IUCN की रेड लिस्ट क्या है? IUCN की रेड लिस्ट में वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, उनको हंटिंग से बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल द स्पीशीज़ आर क्लासीफाइड इंटू 9 ग्रुप्स। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स सच एज प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज इन अ गिवन एरिया, द डिक्लाइन इन देयर नंबर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एरिया ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो ये स्पीशीज़ है जो कि उनकी रेड लिस्ट में प्रेजेंट हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने 9 ग्रुप्स में क्या किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप्स का, वो किस तरीके से किया गया है, किस एरिया में रहते हैं, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ बचे हैं एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल के, और उनका जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, वो कैसा था, तो इसके बेस पे उन्होंने ये ग्रुप्स हैं जो 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वो इसके बेस पर किया है, ठीक है। अब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जो 9 कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेंड, डेटा डेफिशिएंट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, नॉट इवैल्यूएटेड। तो ये क्या है, ये उनके 9 कैटेगरीज हैं जिसमें उन्होंने अपने जो रेड लिस्ट है उसमें 9 ग्रुप्स जो बनाए हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो इनके 9 ग्रुप्स हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट फाउंड नाउ बट वंस लिव्ड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट मतलब जो लुप्त हो चुके, मतलब जो अब नहीं है, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह थे, अब तो नहीं है ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो थे, राइट, जैसे कि हाँ यहाँ पे इसमें दे रखा है, ह्यूज डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ। साइंटिस्ट बिलीव दैट आर अर्थ कूल्ड सडनली एंड द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट टू द सडन चेंजेस इन द क्लाइमेट, सो ऑल ऑफ देम डाइड एंड नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो अर्थ है वो एकदम से ठंडी हो गई, जिसकी वजह से वो इस एनवायरमेंटल कंडीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो एक्सटिंक्ट हो गए, डेथ हो गई उनकी। सो बहुत सारी अलग से थ्योरीज भी हैं उनके एक्सटिंक्शन की। डोडो बर्ड बिकेम एक्सटिंक्ट मेनली ड्यू टू इट्स हंटिंग फॉर फूड। जो डोडो बर्ड थी वो फूड के लिए उसको हंट किया जाता था, इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हुई है। नीलगिरी होली एंड क्राई पैंसी आर प्लांट्स फ्रॉम इंडिया विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली। तो ये प्लांट्स के नेम हैं जो कि एक्सटिंक्ट हुए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है याद करने वाला, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। एनिमल्स में आपके लिए बताना बहुत ईजी हो जाएगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का। डायनासोर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो इंसान कभी नहीं भूलता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स में हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमें प्लांट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो आपको याद करना है नीलगिरी होली एंड क्राई पैंसी, तो ये क्या है, प्लांट्स के नेम हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया से। तो डोडो बर्ड और डायनासोर जो हैं वो एनिमल्स में काउंट किए जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और नीलगिरी होली एंड क्राई पैंसी जो है वो प्लांट हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नाउ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड में कौन से ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। व्हेन अ स्पीशीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी लाइक जू, इट इज सेट टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब ऐसे एनिमल्स जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ एक एनिमल अगर जो बचा होता है उसको जू में रख लिया जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक होता है एक्सटिंक्ट जो हमने अभी पढ़ा एक्सटिंक्ट स्पीशीज, और एक है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज का मतलब है जो कंप्लीटली खत्म हो चुके, लुप्त हो चुके। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है एक आधा उनकी वैरायटी बची है जो हमने जू में रख लिया है ताकि वो उनकी हम केयर कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिंक हेडेड डक एंड द चीता हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड फ्रॉम आर कंट्री। तो पिंक हेडेड डक और चीता क्या है, किसके एग्जाम्पल है, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। इसके एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके मीनिंग आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड के का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, और इनके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से होते हैं जो कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर लिस्टेड, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि भाई ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। जैसे कि बेलेरिक शेयर वाटर डक इज एन एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये डक के नेम, डक का नेम है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है। मालाबार लार्ज स्पॉटेड सेवेट एंड पिगमाई हॉग आर सम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज लिविंग इन इंडिया। तो ये क्या करना है, ये दो नेम्स हैं जो कि दे रखे हैं इसमें, ठीक है, एक तो बर्ड है और एक हॉग है, तो आपको ये याद करना है विद डेफिनेशन।
अब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होता है? ये था क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़, मतलब वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। ये है कि ये भी सेम चीज़ है, लेकिन ये क्या हो रहा है, नियर फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू डिक्लाइन इन देयर नंबर्स। मतलब ये नंबर्स में डिक्लाइन हो रहा है और इनके जो हैबिटाट है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये एंडेंजर्ड होने की तरफ चल रहा है। मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन से हुए? वो वाले जिनके हैबिटाट में, उनके रहन सहन में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो कम हो रही है इसी वजह से। जैसे कि एशियन एलिफेंट्स है, गोल्डन मोल है, पिंक पीजन, बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन, सी टर्टल एंड गंगा रिवर डॉल्फिन आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये क्या है, कुछ स्पीशीज़ हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ वनरेबल स्पीशीज़, जो कि पहले से ही कम नंबर में प्रेजेंट हैं और आने वाले टाइम में कुछ फैक्टर्स की वजह से वो ख़त्म हो सकती हैं, जैसे कि उनका हैबिटाट ख़त्म कर दिया गया, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस या इलीगल हंटिंग स्टार्ट हो गई, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनको क्या कहा जाता है, वनरेबल स्पीशीज़। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है वनरेबल स्पीशीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक स्पीशीज़ कौन से होते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया। अब वो स्पीशीज़ जो कि एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, नेचुरली ये सब जगह नहीं मिलते हैं। जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो एक्वेटिक एनिमल है जो कि सिर्फ रिवर गंगा में ही आपको मिलेगी। एशियाटिक लायन जो है वो आपको गिर नेशनल पार्क में ही मिलेगा, और लायन टेल्ड मकाक ये आपको साउथ वेस्ट इंडिया में ही मिलेगा। नीलगिरी टार ये आपको नीलगिरी हिल्स में ही मिलेगा, तो ये कहीं और नहीं मिलेंगे, ये इसीलिए एंडेमिक स्पीशीज़ हैं। ठीक है, जो कहीं और नहीं पाए जाते। जाइंट पांडा का तो आपको पता ही है, साउथ वेस्ट चाइना में मिलता है और ये बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एंडेमिक स्पीशीज़ का। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 220 एंडेमिक प्लांट्स इन इंडिया। एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, दे आर वेरी वल्नरेबल टू डिस्टर्बेंसेज इन द लोकल हैबिटाट्स। तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे 220 ऐसे एंडेमिक स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि एंडेंजर्ड होने की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द उनके हैबिटाट में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हैबिटाट क्या होता है? घर। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशीज से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब एंडेंजर्ड ना हो हमारी स्पीशीज जो है वो ख़त्म ना हो, तो हमें क्या करना है, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करें, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं कि हम अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। अफॉरेस्टेशन मतलब आपको रेगुलर प्लांटेशन करना है, जैसे कि वन महोत्सव एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, और ये रेगुलर बेसिस पे हर साल मनाया जाता है और उस दिन बहुत सारे प्लांट्स को लगाया जाता है। ठीक है, वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी एज ट्रीज एज वी कैन। प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मतलब आप कोशिश ये करनी है कि फॉरेस्ट में कोई फायर ना लगे, क्योंकि जब भी फायर लगती है तो जो उसकी जो ज़मीन है वो भी बंजर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप वहाँ पर प्लांटेशन भी करेंगे तो भी वो प्लांट उगते नहीं हैं, वहाँ पर प्लांटेशन नहीं हो पाता है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी क्या होता है, अगर किसी फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा जो आपकी कैटल्स हैं ग्रेज कर रही हैं, वहाँ पर घास खा रही हैं, तो वो जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं रहती है। अगर आप कोई भी वहाँ पर प्लांटेशन करेंगे उस फॉरेस्ट में, उस पर्टिकुलर लैंड पर, तो वहाँ पर वो प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं रही है लैंड। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि जब कोई भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होता है तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ क्या है, कंजर्व करो वाइल्ड लाइफ को, मतलब वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, वाइल्ड लाइफ को हम उनकी देखभाल करेंगे, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरल जो उनकी उनका हैबिटाट है वो फॉरेस्ट ही है। ठीक है, तो हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं
उसको बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए हंटिंग रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जो कि हंटिंग के लिए हो, जैसे कि कोई भी मतलब हंटिंग जो है वो बैन कर दी जाए, किसी भी एनिमल को हंट ना किया जाए, हैबिटेट प्रोटेक्शन सभी एनिमल्स की, मतलब जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में, उनकी हैबिटेट की प्रोटेक्शन की जाए, वहाँ पर आग लगने से बचाया जाए। और दूसरी बात ये कि जितने भी डिफॉरेस्टेशन वाला पार्ट है कि लोग कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज अपने रहने के लिए, वो चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स वेयर द वाइल्ड एनिमल्स कैन फ्लरिश इन नेचर। तो बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स रेगुलर बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, ये आपको पता है, ताकि वो नेचुरल सराउंडिंग्स में भी रह सकें और आउटसाइड वर्ल्ड से भी प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है ना। तो अब हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। एन इंटरनेशनल बॉडी टू स्टडी एंड असेस द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, तो वो कौन सी है? वो है WCO, इसका पहले नाम IUCN था। डोडो बर्ड किसका एग्जाम्पल है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसमें से कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है? तो इसमें पोलर बियर नहीं है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द IUCN रेड लिस्ट, तो ये सब इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट एग्जिस्टिंग। एशियाटिक लायन इज फाउंड इन, हमने पढ़ा था कि ये आपको गिर नेशनल पार्क में मिलेगा जो कि गुजरात में है, ठीक है। देखो मैंने इसीलिए कहा था कि आपको एग्जाम्पल्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं, जितने भी ये 9 ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं, एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन याद करना है, ज़रूर से याद करना है, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, थैंक यू।